देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज, देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट न्यूज चैनल। अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण के चैनपुर थाना के अंतर्गत एक जो बॉर्डर है, ये उनका यहाँ कुछ ग्रामीण उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या पड़ेगा भैया आपका? क्या? सुगारत शाह जी, आप बताइए कि ये कौन सा बॉर्डर पड़ता है? भगवानपुर। ये भगवानपुर बॉर्डर है, और भगवानपुर बॉर्डर पर किस तरह से खाद का तस्करी किया जाता है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसके उम्र का बच्चा सब खाद का तस्करी कर रहा है। आखिर बिहार गवर्नमेंट किस तरह से खाद का किस तरह से सप्लाई किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के सिपाही अधिकारी किस तरह से मौन बैठे हुए हैं। और ये बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पर आप देख सकते हैं खाद का तस्करी किस तरह से किया जाता है। और यहाँ के जो स्थानीय जो थाना है चैनपुर थाना, और चैनपुर थाना के भी स्टाफ लोग से भी कहना चाहेंगे कि कम से कम यहाँ पर सुबह शाम गश्ती करें, पेट्रोलिंग करें, ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य ना खराब हो। और इस तरह से तस्करी कर रहे हैं, तो आइए खाद का तस्करी करें, यूरिया का तस्करी कर रहे हैं, आगे जा कर के पता नहीं किस किस चीज़ का तस्करी करेंगे। तो यहाँ माननीय नीतीश कुमार से भी अपील है कि दुकानदार का नाम क्या है? नाम नहीं, हम ना जाने हैं ना। कितना रुपया हम दिया आपको DAP? 1750 रुपये में एक बोरा मिला है। यानी कि ब्लैक में खाद बेचा जा रहा है, और ब्लैक में खाद बेचने का वजह है कि इंडिया के किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, और नेपाल के व्यक्ति खाद लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर ना ही कोई गश्ती का टीम है, ना ही कोई यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था सही दुरुस्त है। और जो व्यक्ति खाद लेकर के जा रहे हैं, इन्होंने दो बोरा खाद लिया है, और जो DAP है, और बगल के ही दुकान से, यानी कि इंडिया में से ही दुकान में से ये खाद खरीदे हैं। 1750 रुपये इनको खाद का बोरा दिया गया है, और इनका गाड़ी नंबर अभी देख सकते हैं कि नेपाली नंबर है ये। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन बिल्कुल मौन है, स्थानीय प्रशासन धरातल पर उतर के काम नहीं कर पा रही है, पता नहीं स्थानीय पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज, देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट न्यूज चैनल। अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण के चैनपुर थाना के अंतर्गत एक जो बॉर्डर है, ये इनका यहाँ कुछ ग्रामीण उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या पड़ेगा भैया आपका? क्या? सुगारत शाह जी, आप बताइए कि ये कौन सा बॉर्डर पड़ता है? भगवानपुर। ये भगवानपुर बॉर्डर है, और भगवानपुर बॉर्डर पर किस तरह से खाद का तस्करी किया जाता है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसके उम्र का बच्चा सब खाद का तस्करी कर रहा है। आखिर बिहार गवर्नमेंट किस तरह से खाद का किस तरह से सप्लाई किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के सिपाही अधिकारी किस तरह से मौन बैठे हुए हैं। और ये बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पर आप देख सकते हैं खाद का तस्करी किस तरह से किया जाता है। और यहाँ के जो स्थानीय जो थाना है चैनपुर थाना, और चैनपुर थाना के भी स्टाफ लोग से भी कहना चाहेंगे कि कम से कम यहाँ पर सुबह शाम गश्ती करें, पेट्रोलिंग करें, ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य ना खराब हो। और इस तरह से तस्करी कर रहे हैं, तो आइए खाद का तस्करी करें, यूरिया का तस्करी कर रहे हैं, आगे जा कर के पता नहीं किस किस चीज़ का तस्करी करेंगे। तो यहाँ माननीय नीतीश कुमार से भी अपील है कि दुकानदार का नाम क्या है? नाम नहीं, हम ना जाने हैं ना। कितना रुपये हम दिया आपको DAP? 1750 रुपये में एक बोरा मिला है। यानी कि ब्लैक